मैं साद रिजवान कंज्यूमर वॉइस है। जैसे कि आप जानते हैं कंज्यूमर वॉइस अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाता रहा है और आज हमने टेस्टिंग करवाने की सोची है रूम हीटर्स पे। जैसे कि दिल्ली में आप जानते हैं सर्दी बढ़ती रहती है, रूम हीटर्स का आपका डिमांड बढ़ती रहती है और आप रूम हीटर्स अपने घर ऑफिस में हर जगह यूज़ करते हैं। हमने 11 टॉप मोस्ट ब्रांड्स जो मार्केट में यूज़ होते हैं हम वो यूज़ करने वाले हैं। आज हमने उनको अपना एक स्पेशल कोड दिया है, उसको हमने मास्क कर दिया है। NABL लेबोरेटरीज में अंदर जाएंगे और 11 टॉप मोस्ट ब्रांड्स जो हमने उन्हें मास्क कर दिया है, कोड्स दे दिए हैं, उनको देखेंगे उनके रिजल्ट क्या आते हैं। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं इन 11 टॉप मोस्ट ब्रांड का क्या होता है। मैं लैब के बाहर खड़ा हूँ और लैब के अंदर जाने वाले हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हीटर टेस्ट कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रोसेस होती है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि लैब टेस्ट कैसे होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं ये हॉट एयर प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम इसको जाँच करते हैं इसकी। ये हीटर है, ये ब्लैक डक्ट है, हीटर का मुँह उस तरफ है तो हवा इस साइड से निकलती है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसको हम 6 डिफरेंट पोजीशन से इसका एवरेज निकालते हैं, वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे और इस पूरे प्रोसेस को हम हॉट एयर प्रोसेस कहते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मैं फर्स्ट स्टेप की ऊपर प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा, प्रैक्टिकली एनोमीटर वर्क कैसे करता है। ये देखिए ये मीटर है, एनोमीटर, ये 6 डिफरेंट एंगल से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसका एवरेज क्या निकल रहा है, ये मीटर इस वेलोसिटी की एवरेज बताएगा। चलते हैं दूसरे प्रोसेस की ओर। ये दूसरे प्रोसेस में अब हमने हीटिंग एलिमेंट 15 मिनट के बाद ऑन कर दिया है और इसे भी हमने 15 मिनट चलाया है। आप देख सकते हैं आप ये इसकी जो हीटिंग है वो यहाँ पे आ रही है। अब हम थर्मामीटर के द्वारा 6 अलग जगहों से इसका टेम्परेचर नापने की कोशिश करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट इनको करके दिखाएंगे, कैमरामैन से बोलता हूँ इसको स्कैन करके दिखाएं। ये है इनपुट मल्टी टेस्ट पैनल, ये शो कर रहा है कि कितनी सप्लाई हम रूम हीटर के अंदर डाल रहे हैं। जैसे 230 हम डालते हैं, ये शो कर रहा है कि कितना वोल्टेज रूम हीटर कंज्यूम करता है। ये मीटर हमारा जो फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर शो करता है कि हमारा रूम हीटर कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज है तो ये 50 हर्ट्ज पे चल रहा है। ये मीटर आपका शो कर रहा है कि आपका रूम हीटर का एम्पियर, करंट एम्पियर क्या चल रहा है। अब जैसे देख सकते हैं 26.1 26.0 के आसपास इसका वेरी कर रहा है। मैं आगे चलना दिखा चाहूँगा कि ये वोल्ट शो कर रहा है 1.13 और ये अपना रूम हीटर, आपका रूम हीटर क्या वोल्ट शो कर रहा है इस समय। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंट मीटर है, ये पूरी असेंबली पूरी वायरिंग जो आपके रूम हीटर में है उसकी जो पूरी सप्लाई चली कहीं से लीक ना हो, और ये अगर लीक होती है तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंट ये चीज़ दिखाती है। ये मीटर जो आप देख रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक, ये आपको आपका बताता है कि आपका रूम हीटर सेफ है, इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं देगा, तो ये हीटर इस वे से आपको शो करता है। आपको मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, ये जो वायरिंग्स है ये हाई वोल्टेज वायरिंग्स है। ये अगर इस वायरिंग्स के पर्पस ये है कि हाई वोल्टेज इस रूम हीटर में डालते हैं और चेक करते हैं कि ये कोलैप्स नहीं कर जाए या बीच में ब्रेकडाउन ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने जो हमने इसे 1000 वोल्टेज डाला और इसको हमने चेक किया तो ये वोल्टेज हमारा जो ये टेस्ट है पास हो चुका है। ये रेजिस्ट किया, इसमें एक मिनट तक कोई ड्रिप नहीं ना इसमें कोई खराबी आई। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेस्ट फाइनल टेस्ट हाई वोल्टेज टेस्ट सेफ्टी टेस्ट ये पास हो चुका है। आज जैसे कंज्यूमर वॉइस का जो टेस्ट था, रूम हीटर का टेस्ट, जिसमें हमने 11 ब्रांड्स को चूज़ किया था, मार्केट के टॉप मोस्ट 11 ब्रांड्स, उनमें से 5 तो फेल हो चुके हैं और उनमें से 6 पास भी हो गए हैं। जो हमने प्रोसेस हमने करके दिखाया, ये प्रोसेस हमारा सेफ्टी और इलेक्ट्रिक और वायर टेस्ट था और इसमें फायर टेस्ट भी हमने करने की कोशिश की जो हमने आपको प्रोसेस दिखाया। ये कंज्यूमर वॉइस का आज टेस्ट जो रूम हीटर पर हमने करा, हमने टेस्ट देखे और अगले टेस्ट के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं साद रिजवान और आप अपनी सर्दियाँ अच्छे से इन्जॉय कीजिएगा रूम हीटर के साथ।